हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर से बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर से तीन बहनों को लेकर पूरे बाड़मेर में हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार बाड़मेर जिले में मंडली थाना अंतर्गत गांव बनियावास में तीन नाबालिग चचेरी बहनें तीन दिन से लापता है। पुलिस टीमें बनाकर उनकी तलाश करने का दावा कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तीनों घर पर एक चिट्ठी छोड़कर गई है जिसमें लिखा है, बाबा असली निकला तो वापस आऊंगी और नकली निकला तो वापस नहीं आऊंगी। अब यह दो लाइनें पुलिस और परिवार के लिए सवाल बन गई हैं। वे बाबा कौन है इसकी जानकारी भी पूरे परिवार में नहीं है। दोस्तों बता दें कि पुलिस की जांच के सामने आया है कि नाबालिग बच्चियां मोबाइल और टीवी पर धार्मिक चैनल ज्यादा देखती हैं। पुलिस इन बच्चियों के साथ खेल वाले बच्चों के साथ बातचीत करके यह जानकारी कोशिश कर रही है कि वह कौन सा चैनल देखती थी, किस बाबा का कार्यक्रम ज्यादा देखती थी। एसपी आनंद शर्मा ने दावा किया है कि पुलिस जल्द से जल्द बच्चियों को ढूंढ लेगी। दोस्तों पुलिस की जानकारी के मुताबिक बच्चियां अपने साथ में घर से कुछ जेवरात लेकर गई हैं। वह घर से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति को अपने माता पिता के जोधपुर होने की बातचीत कही, किराए के लिए पैसे नहीं होने की बात कहकर 1100 रुपए में सोने की नाक की कील बेच दी और बाकी जेवरात लेकर चली गई। यहां से 500 रुपए किराए पर टैक्सी लेकर आगोलाई पहुंची और वहां से बस में सवार होकर जोधपुर के लिए रवाना हुई। सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि जोधपुर के अकलाई चौराहे पर वह उतरी थी। इसके बाद जानकारी पुलिस जुटा रही है। धन्यवाद दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।